आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवान, कई दफ़ा क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मज़ा लेनी होती है और वो एक शख्स को बुलाते हैं और उसकी मज़ा लेते हैं, या फिर किसी से किसी की दुश्मनी हो जाती है तो वो बंदा क्या करता है कि उसको बुलाता है मोहब्बत के साथ, मीठी मीठी बातें करके उसको बुलाता है और फिर उसको मास्त ठोकता है। तो इस तरह के केसेस पेश आते हैं। ऐसा एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि जंगल का जंगल की रात और सारे लोग सो गए और जंगल के पेड़ के नीचे एक शख्स ने खेमा लगाया हुआ था और वो भी आराम से सो रहा था। उस शख्स ने कई मुर्गों को पाला हुआ था, मुर्गियों को पाला हुआ था। तो अब रात ढलती गई ढलती गई, फिर सुबह का सूरज तुलू होने का वक्त आया और थोड़ी सी मतलब रोशनी आसमान पर नज़र आने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक एक बूढ़े मुर्गे की आँख खुली, वो मुर्गे की आँख खुली तो उसने देखा ओहो सुबह हो रही है। उसने पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वो सीधे चढ़ गया टहनी के ऊपर झाड़ की, और बहुत ऊँची वो टहनी, और मतलब वो एकदम ताकत के साथ अजान देना उसने शुरू कर दिया। अब उसकी अजान एक लोमड़ी के कानों तक पहुँची। लोमड़ी ने जब अजान सुनी तो लोमड़ी थी भूखी, उसने कहा चलो सुबह का नाश्ते का काम हो गया, सुबह का नाश्ता अब मिल जाएगा। वो आई देखी तो इधर उधर देखने लगी, कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर पेड़ पर पड़ी तो पेड़ के ऊपर मुर्गा था जो अजान दे रहा था। जब इस लोमड़ी की नजर पड़ी तो उसने सोचा क्या ये तो बड़ा ऊपर एक मुर्गा, अब इसको नीचे लाने के लिए कोई तरकीब तैयार करनी होगी। उसने तरकीब तैयार की, कहने लगी ओ मुर्गा भैया आपकी मीठी मीठी सुरीली आवाज़ ने मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आई, चलो आपने अजान तो दे ही दी अब नीचे आइए नमाज पढ़ लेते हैं। मुर्गा था तजुर्बेकार, बूढ़ा था ना, तजुर्बेकार था मुर्गा। उसने कहा अच्छा बी लोमड़ी क्या कहती हो कि नमाज पढ़ी जाए? कहा हाँ नमाज पढ़ी जाए, और आइए बाजमात नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है ना बाजमात नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है। कहाँ फजीलत तो है, लेकिन बाजमात नमाज पढ़ने के लिए इमाम का होना ज़रूरी है, इमाम कहाँ है? तो लोमड़ी ने कहा यार ये तो बड़ी चालाकी से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो लोमड़ी ने कहा अरे मुर्गा भैया आप तो कितने पढ़े लिखे हो, आप भी तो पढ़े लिखे हो, आ जाइए नीचे आप भी, आप ही इमाम बन जाइए। तो मुर्गे ने कहा अच्छा इमाम मैं कैसे बनूँ? सुनो इमाम है अपने पास, इमाम है अपने पास, वो देखो वो नीचे पेड़ की जड़ के पास एक शख्स है, उसको उठाओ और उसको इमाम बनाओ। लोमड़ी की नजर पड़ी तो वो जड़ के नीचे का आदमी सो रहा था। मुर्गे ने कहा उसको जगा दो, वो हमारी इमामत कर देगा। तो लोमड़ी ने जैसी उस आदमी को देखी तो वो ऐसी भागी। तो मुर्गे ने चिल्लाकर कहा लोमड़ी भी क्या हुआ, उनको जगाने के लिए कहा था, भागने के लिए नहीं कहा था? लोमड़ी कहने लगी भैया मेरा वजू टूट गया, वजू करके आती। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसे वाक्यात पेश आते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह वो मुर्गा कट के निकला ना साइड से क्रॉस कट मार के, तो इसी तरीके से क्रॉस कट मार के निकल लेने का उनके हाथ लगा, अगर आप लग गए तो वो या तो आपकी मजाक बनाएंगे मजाक उड़ाएंगे, या फिर अगर कोई दुश्मन है तो वो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। तो मीठी मीठी बातों के अंदर ज़्यादा फंसने की कोशिश ना किया करें, मीठी मीठी बातों के अंदर ही कभी कभी लोग ना शहद के अंदर ही जहर मिला करके पिला देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचे, एहतियात करें।